हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है दोस्तों। राम राम, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। वीडियो में आज सारा वॉइस ओवर चलेगा क्योंकि बरसात में धड़धड़ाधड़ धड़धड़ाधड़ में भाई आवाज को सुना नहीं सकता मैं आपको। बरसात में हम निकले हैं मोगा घूमने, 4 दिन से बारिश हो रही है भाई, हर जगह गाड़ी में जाना पड़ रहा है, काम तो करना ही है, तो इसलिए रिकॉर्डिंग हो गई अपनी बंद। ये छोटी सी फुटेज मैंने रिकॉर्ड की थी, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये है गीता भवन, मोगा का गीता भवन। लेफ्ट साइड पे है कश्मीरी पार्क और राइट साइड पे है गीता भवन। मतलब मोगा में जो सबसे बढ़िया चीज़ देखने वाली है वो यही है। मोगा में हो तो यहाँ नहीं आए तो फिर आप मोगा में नहीं हो। ये राइट साइड पे गीता भवन, सुबह सुबह आओ यहाँ पे, क्या वाइब आती है भाई, मस्त पेड़, घने पेड़। किसी दिन पार्क में भी लेके चलेंगे आपको। मोगा में तो मैं रहता ही नहीं यार, जब भी आता हूँ थोड़ी देर लिए काम के लिए आता हूँ, तो फिर वीडियो बन जाती है। वो रहता मैं इस तरफ ही हूँ ज्यादा, जलंधर, लुधियाना, मोगा। और अभी आपको जलंधर की भी वीडियो दिखानी है यार, फिरोजपुर की भी डिमांड आ रखी है भाई। सारे काम छोड़ के यही काम कर लेता हूँ, पर चैनल भी तो, पैसे भी तो देना। चैनल अपने शौक के लिए शुरू किया है मैंने तो, दे देंगे तो ठीक है, ले लेंगे, मना तो नहीं करेंगे। ये इधर आ गई जी गीता कॉलोनी, नहीं गीता कॉलोनी नहीं, कौन सी कॉलोनी यार, ये नाम ही भूल गया यार, पता नहीं गीता कॉलोनी है, वेदांत नगर, वेदांत नगर। इधर पार्क है वेदांता पार्क, राइट साइड पे सामने है बिल्कुल बीएड कॉलेज ऑफ डीएम कॉलेज, हो रहा बीएड कॉलेज, बहुत लोग बीएड करते हैं यहाँ पे मोगा में। और ये हम सीधा तो जाने का कोई फायदा नहीं है, राइड को ले लेते हैं। ये चोखा कॉम्प्लेक्स गेट नंबर 2, उधर टर्न लेके राइड में आएगा गेट नंबर 1। यहाँ पे होते हैं आइल्स के पेपर, जिन्होंने कनाडा जाना है उनके लिए आइल्स सेंटर ये भी बनता है, बाहर भी बन जाते हैं जीटी रोड पे, वहां पे भी है इनका चोखा का, वहां भी होता है, टीवी आ रहा है, थिएटर भी है वहां पे। तो ये है जवाहर नगर, जवाहर, ओ भाई साहब, मैंने बोला ठोकूंगा मैं। तो ये मैं माइक से बात नहीं कर रहा, मतलब वीडियो को ओवर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, बाद में बोल रहा हूँ भाई। तो हम जा रहे हैं जवाहर नगर क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत आ रही थी, मैंने चेक किया था, मैं बोला बोल तो रहा था लेकिन वो गाड़ी की आवाज़ गाड़ी में ही रह गई भाई, क्योंकि माइक का होता है ना प्रॉब्लम। हेलमेट में तो माइक बिल्कुल मुंह के पास होता है, माइक भी अच्छा सा लेना पड़ेगा ताकि रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड है, अगर आप लोग साथ दोगे तो करते रहेंगे धीरे धीरे। बाकी मेरे से जितना बन सकता है मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे शौक भी है वीडियो बनाने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि फोटोज तो हम एल्बम में संभाल के रख लेते हैं, फोटो देखते हैं ना पुरानी, पिछले साल की ट्रिप पे गए थे, फोटो देखते हैं, लेकिन वीडियो को कुछ संभालने की कोई जगह ही नहीं है। वीडियो कहाँ रखेंगे हम, सीडी में रखेंगे, डीवीडी में रखेंगे, थोड़ी देर में। ये आगे प्रताप रोड पे हम, तो बारिश इस वक्त पूरी घमासान हो रही थी, ये उस वक्त का सीन है। बीच बीच में रुक जाती थी, बीच में धड़ 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 सब्जी मंडी में डाल लेते हैं, उधर तो ट्रैफिक होगा आगे तो भाई। सब्जी मंडी बाबा जगह पर यहाँ पे भी जाम लग जाता भाई कई बार एंट्रेंस पे। ला ला ला,
पे थोड़ा सा जाम लग गया था, फिर मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। तो ये है सब्जी मंडी। और एक चीज़ और मैंने देखा, कई बार लोगों को अंदर से कपड़ा मारते हुए गाड़ी में, जब हम शीशे बंद करके बारिश में चलते हैं ना या सर्दियों में, तो एक फॉग सी जम जाती है शीशे पे अंदर गाड़ी के, तो आगे कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे कि अभी मैं एक बंद करता हूँ, इसको बंद करूँगा, यानी कि वीडियो में बंद किया था मैंने, मैंने सोचा अब आपको दिखाऊँगा। जैसे आप चारों शीशे बंद कर लेते हो, गाड़ी बिल्कुल बंद कर देते हो, तो हम बोलते हैं तो हमारे मुँह की भाप से ना अंदर फॉग जम जाती चारों तरफ शीशों पर। तो ये है भारत माता मंदिर, बजरंगबली जी की बड़ी सी मूर्ति है। वो शायद क्लियर नहीं होगा क्योंकि बरसात हो रही है। तो उसमें क्या होता है, जब फॉग जम जाती है ना, तो उसका सलूशन है बड़ा आसान। आप एक नंबर पे फैन चला दो, लेकिन उसका जो गाड़ी के नीचे एक वेंटिलेशन होता है, देखोगे ना आप वहाँ पे, एक तो होती है गाड़ी के अंदर की हवा को वो रोटेट करेगा, एक होता है बाहर की हवा को अंदर लेके आएगा। दो ऑप्शन होते हैं वहाँ पे, स्लाइडर सा बना होता है। उस स्लाइडर को आप उस जगह पे कर दो जहाँ पे बाहर से हवा गाड़ी के अंदर आएगी, ताज़ी हवा। तो जैसे ही ये देखो ये कितनी फॉग है, अभी आपको मैं ऑन करूँगा ना, तो देखना फॉग कैसे ऐसे चुटकियों में उड़ेगी, कपड़ा मारने की ज़रूरत ही नहीं। और यही शीशा नहीं, पीछे वाला स्लाइडर, लेफ्ट लेफ्ट सब शीशे क्लियर हो जाएंगे। तो फैन की सेटिंग इस तरह करनी है कि जो हवा है ना आगे आ जाए, उस पर फैन पर सेटिंग भी होती है, ये डैशबोर्ड के ऊपर से हवा निकलती है। फिर देखना अभी मैं ऑन करूँगा वीडियो में, तो ये सारी जो है ना उड़ जाएगी, ये देखते रहना। ये देखो ऑन किया मैंने, ये देखो क्लियर एकदम चुटकियों में। तो ये कई लोगों को मालूम नहीं है, जिनको मालूम है उनको तो पता ही है, ऐसे कोई बताने वाली चीज़ भी नहीं है, छोटी सी चीज़ है। लेकिन कई बार मैंने देखा लोग अंदर गाड़ी के अंदर से कपड़ा मारते हैं इसको फोग को साफ करने के लिए, तो ये आसान ट्रिक है। आजकल गाड़ियों में एसी तो होता ही है सबकी गाड़ी में। तो ये चैम्बर रोड था जहाँ से हम ये ज्ञान वार्ता कर रहे थे, ये आ गए हम फिर घूम के प्रताप रोड। तो अब यहाँ ये मंदिर है सबसे पुराना सनातन मंदिर, पुराने का तो पता नहीं, मतलब काफ़ी फेमस मंदिर है, पुराना भी है मोगा का। यहाँ पे इधर सामने राइट साइड पे बहुत ही शाम को चाट पकौड़ा ये वो खाने को मिलता है, गुरु नानक मार्केट है ये। इधर लेफ्ट साइड पे गली में राम मंदिर। ये राइट साइड पे आ गया आपका शहीदी पार्क, जो कभी नेहरू पार्क था, उसके बाद यहाँ पे दुर्घटना हुई तो फिर इसका नाम शहीदी पार्क रख दिया। तो अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम है, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, बाकी आपकी मर्जी। बाय बाय, टाटा, सी यू सून।